नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोग राम भरतयो मेलनम अभ्यास कर रहे थे। राम भरतयो मेलनम का पाठ पढ़ चुके थे, ये एकादश पाठ है और आज हम लोग जो करेंगे उसका अभ्यास करेंगे, ठीक है? तो पहला प्रश्न जो होता है वो है आपका कि उच्चारण करो तो पुस्तिकायाम चरिका, ये तो आपको स्वतः करना है कि उच्चारण करिए और पुस्तिका में अपनी यानी कॉपी पर लिखिए। तो ये आप पढ़ेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे और उसको अपनी कॉपी पर लिखेंगे, ठीक है? चलिए प्रश्न दूसरा करते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। क्या है? रामः सीता लक्ष्मणश्च कुतः स्थिता आसन। राम सीता और लक्ष्मण कहाँ स्थित थे? तो कहाँ रहते थे, कहाँ स्थित थे यानी मतलब कहाँ थे, कहाँ रहते थे। तो राम लक्ष्मण सीता में सबसे पहला प्रश्न तो आपका ये बनेगा जो प्रतियोगिता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आपके नॉलेज की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में भी, आपके मतलब जो अकेडमिक का एग्जामिनेशन हो सकता है उसमें भी आ सकता है कि राम सीता और लक्ष्मण में कौन सा समास है। क्योंकि समास के क्वेश्चंस आपके आपके अभ्यास में पहले आ चुके हैं, ठीक है? तो ये आ सकता है। तो इसमें कौन सा समास है? तो हमने आपको बताया है कि जहाँ भी जब आप इसका हिंदी अनुवाद करते हैं, समास का पता लगाना है तो सबसे पहले आप हिंदी अनुवाद करेंगे उसका। और हिंदी अनुवाद में यदि बीच में और आता है, क्या आता है, बीच में और आएगा तो कौन सा समास हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, ठीक है? तो यहाँ पे राम सीता और लक्ष्मण, इस वजह से यहाँ पे कौन सा समास हो गया है? द्वंद्व समास हो गया है। तो राम लक्ष्मण और सीता जी कहाँ रहते थे? तो उत्तर क्या मिला? एक पद में उत्तर देना है तो एक पद में उत्तर हो गया आश्रमे, आश्रम में। आश्रम में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? तो बच्चों सप्तमी विभक्ति, अब तक तो आपको याद भी हो चुका होगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन है और कौन सा कारक हुआ? अधिकरण कारक। और चिन्ह क्या लगता है? इसमें चिन्ह लगता है मे और पर का चिन्ह लगता है, मे पर का चिन्ह लगता है, ठीक है? पितून योगात क वनम आगतः, पितून योगात, नियोगात का अर्थ, नियोगात का तात्पर्य होता है कि पिता के दिवंगत होने के पश्चात, पिता के अलग होने के पश्चात, मृत्यु के पश्चात, तो पिता से वियोग के पश्चात कह वनम, कौन वन में आता है, कौन वन में आता है? तो भरत। राम लक्ष्मण सीता जी तो पहले से विद्यमान रहते हैं, आता कौन है? भरत। तो हो जाएगा भरतः। नेक्स्ट, हाँ अभी और बाकी था, ये देखिए। अन्यम अपि वरम कह इष्टवान, अन्यम अपि वरम, अन्यम अपि दूसरा वर, अन्यम अपि मतलब दूसरा वर, दूसरा वरदान, कह इष्टवान, कह इष्टवान, चाहता हूँ, ठीक है? दूसरा वर, वर कौन चाहता है? इष्टवान मतलब चाहना, तो दूसरा वर वरदान कौन चाहता है यानी कौन मांगना चाहता है? तो हो जाएगा भरतः, ठीक है? पादोपभुक्तौ चरण पादुकौ कह अयावत, अयावत मतलब मांगता है। पादोपभुक्तौ पैर में पहनने वाले, चरण पादुका यानी कि खड़ाओं को, दोनों खड़ाओं को, चरण पादुकाओं है तो यानी दोनों चरण पादुका, चरण में पहनने वाले, पादोपभुक्तौ चरण पैर में पहनने वाले चरण पादुकाओं यानी कि दोनों खड़ाऊ को कह कौन अयावत मांगता है। तो कौन मांगता है? भरत ही तो मांगते हैं श्री राम जी से। तो फिर और कौन सा प्रश्न है? हाँ अब आता है आपका पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, क्या है? पूरे वाक्य में उत्तर देना है भूतात्। जो पिता के समान होते थे ना उनको हम अक्सर क्या प्रोनाउंस करते थे? तात। तो भूतात निवेदताम, निवेदताम कह उक्तवान, कहते हैं कि हे तात सूचित किया जाए, सूचित किया जाए, निवेदता मतलब सूचित किया जाए। कह उक्तवान कौन कहता है? ये तो भाई सुमंत्र से कौन कहता है? भरत ही तो कहते हैं। तो आप कहेंगे भूतात निवेदताम, निवेदताम भरतः उक्तवान। ये हो गया आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूरा पूरा वाक्य लिखे है ना। भरत कस्या पुत्र आसीत, भरत किसके पुत्र थे? तो भरत
कैकेयी के पुत्र थे। ठीक है, यहाँ पुत्रे नहीं रहेगा, पुत्र, यह एक ही मात्रा हटा दीजिए, अर्थ कैकेयी पुत्र आसीत। ओके, नेक्स्ट क्या है, लक्ष्मणीन, लक्ष्मणीन भरतस्य स्वागताय अकथयत। तो लक्ष्मण से एन आ गया ना, लक्ष्मण से क्या है, भर लक्ष्मणी भरतस्य स्वागताय किम अकथयत। हाँ, यहाँ पे क्या है बच्चों, किम है, यहाँ पे आप किम लिए, आपके क्वेश्चन आपकी जो बुक है ना उसमें दिया होगा, यहाँ पे छूट गया है, आप लिख लीजिए कि लक्ष्मणी भरतस्य स्वागताय किम अकथयत। लक्ष्मण से भरत के स्वागत के लिए, अब इसमें सारे की विभक्ति आप देख सकते हैं, एन आया, ये देखिए ये एन आया, तो कौन सी विभक्ति हो गई, तृतीय विभक्ति हो गई। ठीक है, एन आ गया ना तो तृतीय विभक्ति, और आपका कौन सा वचन हो गया, तृतीय विभक्ति है, एक वचन है, एक मिनट, तृतीय विभक्ति है, एक वचन है, और क्या है इसमें, और कौन सा कारक हो गया, करण कारक हो गया, और क्या हो गया, और चिन्ह कौन सा लगता है, चिन्ह लगता है आपका से और द्वारा का चिन्ह लगता है। ठीक है, अब भरतस्य आइए, भरतस्य में क्या है बच्चों, भरतस्य में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन, कौन सा कारक है, तो भरतस्य में षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है, और कौन सा कारक है, संबंध कारक है, और काकेकी का चिन्ह लगता है, आय आ गया, ये देखिए आय आय आया, और हमने आपको बताया ना आय जहाँ पे भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, एक वचन है, चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन है, और कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। ठीक है, कौन सा कारक है, संप्रदान कारक, और चिन्ह क्या लगता है इसमें, के लिए चिन्ह लगता है। ठीक है, के लिए का चिन्ह लगता है। तो अभी देखिए, लक्ष्मणीन भरतस्य स्वागताय किम अकथयत, यहाँ पे आप किम जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, किम अकथयत किसे कहे, तो लक्ष्मणीन मतलब क्या कहे, लक्ष्मणीन लक्ष्मण से भरत के स्वागत के लिए क्या कहा गया, तो लक्ष्मणीन भरतस्य स्वागताय अकथयत, क्या कहा क्या कहा भाई, तो कहा कि लक्ष्मण के द्वारा भरत के स्वागत के लिए क्या कहा गया, तो क्या कहा गया, कहा गया लक्ष्मणी भरतस्य स्वागताय, भरत के स्वागत के लिए कथयत, एही एही आओ आओ इक्ष्वाकु कुमार स्वागतम, स्वागत है, यही तो कहे लक्ष्मण। सीतायाः भरतम प्रति क आशीषः आसीत, सीता भरतम प्रति, भरत के प्रति कह कौन सा आशीषः आशीर्वाद आसीत, दी थी, क्या आशीर्वाद दी थी भाई, तो दी थी चिरंजीव, कही थी ना चिरंजीव। तो फिर सीताया भरतम प्रति आशीषः आसीत, क्या था, चिरंजीव, आशीष था चिरंजीव, मतलब दीर्घायु आयु हो। ठीक, फिर आइए चौथे पे आइए, चौथा है आपका कि ये आपको अनुवाद करना है, क्या करना है, अनुवाद, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करिए, संस्कृत भाषा में अनुवाद करिए है, तो यानी कि ये हो गया आपका लोट लकार। दूसरा वर भी प्राप्त करना चाहता हूँ, ये तो आपके इसमें आ चुका है ना बुक में, अन्यमपि वरम इच्छामि। ठीक, राम सीता व लक्ष्मण, राम सीता व लक्ष्मण इस आश्रम में रहते हैं, तो राम सीता लक्ष्मणश्च इतस्मिन, इस मतलब इतस्मिन आश्रमे, आश्रम में निवसंती, निवसंती इस वजह से हो गया, बहुवचन इस वजह से हो गया, क्यों, क्योंकि जो है राम सीता और लक्ष्मण ये तो तीन लोग हो गए ना, बहुवचन हो गया। ठीक, और फिर क्या है, हाँ अब है भरत आ गए, तो भरत आ गए क्या हो जाएगा, भरत भरत आगतः मैं अनुग्रहित हुआ। ये सारी हिंदी के सेंटेंस जो है आपके, जो आपके नाटक का संवाद है ना, उसी में से लिया गया है, तो अहम अनुग्रहितो अस्मि, अहम
अनुग्रहितो अस्मि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण करो। अब प्रश्न निर्माण करने के लिए बच्चों हमने आपको बताया था कि आप प्रश्न जो है वो आप देख लीजिए, ठीक है, कि कैसे प्रश्न का निर्माण करते हैं, किस कहाँ के लिए क्या यूज़ करेंगे, क्यों के लिए क्या यूज़ करेंगे, ये हम आपको बता चुके हैं। लेकिन और यहाँ पे उसका उपयोग करते हुए, उसी ट्रिक का उपयोग करते हुए जो हम आपको बताए हैं, उसका उपयोग करते हुए यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं। हिंदी में जब अनुवाद करेंगे तो प्रश्न अपने आप ही मिलेगा, तो उसके पहले भी हम लोग अंडरलाइन तो कर ले। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि, रेखांकित पद मतलब कि जो रेखा खींची गई है उस पद पर आधारित प्रश्न का निर्माण करना है। तो रेखांकित पद क्या है भाई, रेखांकित पद है इसमें आश्रमे, क्या है आश्रमे, आश्रम में, आश्रमे एव रामः सीता लक्ष्मणश्च स्थिता, आश्रम में ही राम सीता लक्ष्मण स्थित हैं। तो भाई उत्तर क्या बनेगा, अब हमें आश्रम में अंडरलाइन है तो आश्रम से ही प्रश्न बनाना है। तो आश्रम में, तो आश्रम क्या है, एक नपुंसक वैसी चीज़ है ना, स्थान है। तो स्थान के लिए तो हम अक्सर क्या इस्तेमाल, कौन सा प्रश्न बनाएंगे, आश्रम क्या एक स्थान हो गया ना, तो आज स्थान के लिए हम कैसा प्रश्न बनाएंगे, कुत्र से प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, आश्रम में ही राम सीता लक्ष्मण स्थित हैं, तो अब क्या प्रश्न बन सकता है आश्रम से, कि राम सीता लक्ष्मण कहाँ स्थित हैं। ठीक है, जो स्थान है तो स्थान से कहाँ से प्रश्न बनेगा, तो राम सीता लक्ष्मण से कुत्र स्थित। ठीक, ए ही वत्स भ्रातृ मनोरथम पूरे, आओ वत्स भ्रातृ मनोरथ, भाई के मनोरथ को, भाई के इच्छा को पूरा करो, भाई के इच्छा को पूरा करो। अब इसमें कहाँ लगा हुआ है, इस ख में कहाँ लगा अंडरलाइन, तो लगा है अंडरलाइन भ्रातृ मनोरथम, अपनी बुक में देखिए भ्रातृ मनोरथम में अंडरलाइन लगा हुआ है। तो जब इसमें अंडरलाइन लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, कि आओ वत्स भ्रातृ के मनोरथ को पूरा करो, तो कहते हैं आओ वत्स क्या पूरा करो, कहेंगे ना क्या पूरा करो, जब हमें इससे बनाना है तो हम बोलेंगे क्या पूरा करो। और मनोरथम, ये क्या है मनोरथम, ये नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग के लिए यदि क्या का प्रयोग आएगा तो हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, किम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे प्रश्न बनाने के लिए, किम का प्रयोग करेंगे। और कौन आता तो स्त्रीलिंग वो पुलिंग होता, ठीक, कौन के लिए पूछा तो उसका रूप चलता है ना, ये हम आपको बता चुके हैं। ये आप जो प्रश्न का निर्माण करना, ये हम आपको बता चुके हैं, आप पहले का वीडियो देखेंगे तो आप जो जिसमें क्वेश्चंस आए हैं तो आपको पता चलेगा। तो ए वत्स आओ वत्स भाई के मनोरथ को पूरा करो, तो आओ वत्स क्या पूरा करो, ठीक, प्रश्न का निर्माण होगा क्या पूरा करो, आओ वत्स लेकिन क्या पूरा करो, क्या पूरा करो, तो ए वत्स किम पूरा है, क्या पूरा करो, तो भ्रातृ मनोरथ हम भाई के मनोरथ को पूरा करो, तो प्रश्न का निर्माण किम से होगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अन्यम अपि वरम इच्छामी, अन्यम अपि वरम इच्छामी, इसमें कहाँ पर है, वरम पर अंडरलाइन है, किसमें अंडरलाइन है, वरम पर। दूसरे वर भी, दूसरा वर भी, वरदान भी इच्छामी, चाहता हूँ, दूसरा वरदान भी चाहता हूँ। यहाँ पे च को आप पूरा आधा कर लीजिए, ठीक है, इस च को क्या करेंगे बच्चों,